अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे आंवले का अचार। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है इमली 200 ग्राम। तो इमली को हमने अच्छे से धो के एक गिलास पानी डाल के इसको भीगने के लिए रख दिया है। और जब ये अच्छे से भीग जाएगी हम इसका रस निकाल लेंगे और इसको हम छान लेंगे इस तरह से। इसमें से जो भी कचरा निकलेगा वो हम फेंक देंगे और पल्प को एक जगह कर लेंगे। तो इसका पल्प निकाल लेने के बाद में हम इसको पका लेंगे। ये देखिए हमने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे ये इमली का पल्प और 10 मिनट के लिए पका लेंगे इसको। तो ये देखिए हमने इसको 10 मिनट तक पका लिया है इमली के खट्टे को, इमली का जो भी पल्प हमने निकाला था। तो अब हम इसको एक साइड में रख लेंगे फ्लेम ऑफ करके। और ये है आंवला 500 ग्राम्स यानी कि आधा किलो। तो इसको हमने अच्छे से धो के सूखने के लिए रख दिया है हवा में। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। 500 ml कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे इसको। तो ये देखिए हमने इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया है। और अब हम इसको तेल में से निकाल के एक साइड में रख लेंगे। और अब हम अचार मसाला बना के तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए लेंगे हम, ये है राई, ज़ीरा और कलौंजी के दाने, मेथी के दाने, धनिया। तो ये सब चीज़ों को हम भून के पाउडर बना लेंगे इस तरह से। और अब हम सेम कुकिंग ऑयल में आंवले को जिसमें हमने फ्राई किया था वही कुकिंग ऑयल में बघार ऐड कर लेंगे, राई ज़ीरा ऐड कर लेंगे। और ये है पीसा हुआ लहसुन, तो मोटा मोटा पीस लेंगे हम लहसुन को, 30 लहसुन की पोतियाँ हैं ये। और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे लाल कलर आने तक। और ये है चना दाल और उड़द दाल, ड्राई रेड चिलीज और करी लीव्स ऐड कर लेंगे। और तले हुए आंवले ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और ये पका हुआ इमली का जो पेस्ट है वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। और अब हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे इमली का पेस्ट ऐड कर लेने के बाद में। तो फ्लेम ऑफ कर लेने के बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए इसके अंदर। 3 टेबलस्पून ऐड किया है हमने यहाँ पे। और अब अचार मसाला ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे अब। तो मिर्ची भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कीजिए और इसको अच्छे से मिला लीजिए। तो अचार के अंदर आप लोग तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, इससे अच्छा रहता अचार, बहुत ज़्यादा दिन तक भी आप लोग इसको रख सकते। तो ये जो रेसिपी है आंवले के अचार की, आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये आंवले का अचार की वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।